नमस्कार दोस्तों, आज अपने साथ हैं नितिन शर्मा जी, सेक्टर 13 रोहिणी दिल्ली से। और सर को बहुत सारे लोगों ने एक ऐसी प्रॉब्लम डिटेक्ट की बताई जो कि जनरली अगर कोई सुनेगा तो बहुत हैरान रह जाएगा। और इनको बताया था AVN, एवैस्कुलर नेक्रोसिस। और ए वेस्कुलर नेक्रोसिस में भी कि आपका राइट हिप जॉइंट जो है वो बिल्कुल खराब हो चुका है और इसका रिप्लेसमेंट करना बहुत जरूरी है। MRI की रिपोर्ट जब कराई तो MRI की रिपोर्ट में भी सब नॉर्मल आया, लेकिन फिर भी रिपोर्ट जब बनाई तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है या एनीवे जो भी था, प्रॉपरली इनको डिटेक्ट किया कि आपको AVN है। जब किसी दूसरे व्यक्ति के पास ये अपनी प्रॉब्लम को लेकर गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको AVN नहीं है, आपको L4 L5 में नर्व रूट जो है वो कंप्रेस हो रहा है और डिस्क बल्ज की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन प्रॉपरली मैं आपको बता दूं कि इनका हिप जॉइंट और ट्रंक जॉइंट दोनों ही बहुत सीवियर कंडीशन में स्टिफ हैं। और स्टिफ भी क्यों है, क्योंकि हिप जॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा स्टिफ होने की वजह से इनकी चाल भी जो है वो हल्की सी गड़बड़ हो गई है। अभी जब ये चलेंगे तो आप देख पाएंगे कि आज ये कैसे चल पा रहे हैं। इससे पहले कल जब ये हमारे पास आए और इनको ट्रीटमेंट किया, एक सिंगल ट्रीटमेंट किया, और जब हमारे पास ये आए थे तो इनकी कंडीशन ऐसी थी कि पैर की मूवमेंट हल्का सा भी अगर ऐसे हो रही थी तो इनको बहुत सीवियर पेन हो रहा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब अभी खुद उनसे सुनेंगे तब आपको बिलीव होगा कि हाँ इनको इतनी सीवियर प्रॉब्लम थी। जब मैंने इनको बोला कि आप सीधे लेटिए तो पैर जो है वो स्ट्रेट इनका हो ही नहीं रहा था, पैर ऐसे पड़ा हुआ रह रहा था। क्यों? क्योंकि जरा सा भी स्ट्रेट करते ही इनको पेल्विक जॉइंट पे, ट्रंक जॉइंट पे और खास करके घुटने के जॉइंट पे बहुत सीवियर पेन। आप एक बार खुद बताएंगे कि कल जब मैं आया था तब मेरी प्रॉब्लम कैसी थी और ट्रीटमेंट करा के मेरे 24 घंटे कैसे निकले। कल जब मैं आया तो मेरा पैर मूव नहीं हो रहा था, ये स्ट्रेट पैर ऐसे ही रह रहा था, लेफ्ट में मूव नहीं हो रहा था। अब ये देखो लेफ्ट राइट सब मूव हो रहा है और मेरे नी में भी आराम है, मेरा पैर ऊपर भी नहीं उठ रहा था, नॉर्मल ऊपर उठ रहा है। और जो मेरी चाल थी वो भी ऐसे ऐसे चल पा रहा था मैं, और आज मैं नॉर्मल चल पा रहा। एक बार उधर से आप चल के बताओ कि कल कैसे चल पा रहे थे, पैर की डायरेक्शन आपकी कैसी आ रही थी जिसको लेके आप बहुत टेंशन में थे। कल मेरा पैर ऐसे चल रहा था, राइट वाली लेग राइट साइड में ही मूव होती थी, लेफ्ट में मूव ही नहीं होती थी, ऐसे चला जा रहा था ऐसे। और आज मैं बिल्कुल नॉर्मल चल पा रहा हूं, पेन में भी काफी रिलीफ है, कल से काफी मेरे को रिलीफ फील हुआ। जब इनका ट्रीटमेंट किया तो इन्होंने बोला कि सर मेरे को ड्राइव करने में पूरे थाई मसल्स में बहुत सीवियर पेन होता है और वो सीवियर पेन का सिलसिला जो है वो चलता ही जा रहा है, मतलब कि जरा सा भी मैं ड्राइव करता हूं तो तुरंत वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कल भी इन्होंने ड्राइव किया और आज भी ये ड्राइव करके आए हैं, वो पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम सही जगह पर और सही समय पर पहुंचे तो हमें कितना फायदा हो सकता है। इसीलिए आप अपने ट्रीटमेंट के लिए सही जगह चुने और सही जगह भी ऐसी चुने जिससे कि आपको भी बहुत इमीडिएटली और जल्दी से जल्दी फर्क पड़ सके और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सके।